टूडे आई विल कवर दूरोज पावर ऑफ एनी और कैपेबिलिटी ऑफ एनी कॉमिटी टू सेटिस्फाई द्यूमन वॉन्ट ठीक है तो प्रोडक्शन में होता क्या है बेसिकली तो, हम बेसिकली प्रोडक्शन में यूटिलिटी uh, क्रिएट करते हैं ठीक है इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है इस इस कन्वर्जन के समय पे दो चीजें होती हैं पहला क्रिएशन ऑफ वांट सेटिस्फाइंग गुड मतलब हम ऐसा गुड्स या सर्विसेज क्रिएट करते हैं जो वांट्स को सेटिस्फाई कर सके और दूसरा क्रिएशन ऑफ एक्सचेंज वैल्यू मतलब जो आउटपुट हम क्रिएट कर रहे हैं इसका मतलब कि हम कुछ एक्सचेंज वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं वहां पे जिसके बदले में मतलब उस गुड्स या सर्विस के में हम दूसरी चीजों को एक्सचेंज कर सकते हैं ठीक है? इसके बाद जब जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है ना उसमें तीन तरह के डिसीजन लिए जाते हैं तीन फेज पे तीन तरह के डिसीजन लिए जाते हैं प्रोडक्शन के समय पहला कि कोई भी कॉम्युनिटी हमें कौन कौन से ऐसे मतलब कि हमें कितना आउटपुट क्रिएट करना है किसी भी प्रोडक्शन फंक्शन में एक चीज समझो कोई एक फैक्ट्री है या कोई एक एंटरप्राइज है तो उसमें तीन चीजें होंगी पहला बात तो ये होगा कि वहां पे इनपुट्स होंगे इनपुट्स के कॉम्बिनेशन के थ्रू हमको आउटपुट क्रिएट करना आउटपुट भी कई तरह के हो सकते हैं ठीक है किसी भी कोई अगर डेयरी इंडस्ट्री या कोई डेयरी इंटरप्राइज है तो वहां पर हो सकता है कि लोग दूध प्रोड्यूस कर रहा हो हो सकता है दूध के वो दूध मिल्क प्रोडक्ट भी बना रहा हो ठीक है और मिल्क प्रोडक्ट बनाकर के वो सेल आउट कर रहा हो तो उसमें तीन तरह के डिसीजन होते हैं मैनेजरियल डिसीजन होते हैं इसको ठीक है पहला होता है हाउ मच टू प्रोड्यूस मतलब हमें कितना प्रोड्यूस करना है ऐसा तो नहीं कि हम बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर ले मार्केट में मार्केट में डिमांड ही ना हो और बाद में हम हमारे पास जितना रिसोर्सेस हम है सबको हमने लगा करके हमने सब कुछ प्रोड्यूस कर दिया और प्रोड्यूस करने के बाद हमें उसके लिए मतलब वहां पे हमें लॉस हो रहा है Second, हमारे पास फंक्शन क्या आता है कि हाउ टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है हमें ऐसे कौन कौन से मेथड्स या ऐसे कौन कौन से टूल्स या ऐसे कौन कौन, कौन, -कौन सी किस तरह से प्रोडक्शन को करना है ठीक है प्रोडक्शन इस ढंग से करना चाहिए अल्टीमेटली जो प्रोडक्शन का जो एम होता है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का होना चाहिए ठीक है तो हमारे पास जितने भी इनपुट्स हैं हो सकता है कि उनके अल्टरनेटिव इनपुट्स भी हो सकते हैं वहाँ पे हो सकता है कि उनके अल्टरनेटिव हो सकते हैं तो हमें एक लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन बनाना होता है इनपुट्स का ताकि हमें जो आउटपुट बने वो सबसे लिस्ट कॉस्ट पे हमें हम, हमको मतलब मिले ताकि हम जब उसको करेंगे तो हमें हमारा प्रो, हो पे और तीसरा है व्हाट टू प्रोड्यूस व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कि हमें ऐसा कौन सा कम हमें प्रोड्यूस क्या करना है मतलब जिस चीज के हमें यह डिसाइड करना होता है कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है और हमें इस चीज को ध्यान में रख करके प्रोड्यूस करना होता है कि हमें ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है ठीक है हमारे पास कैबिलिटी के, के, के प्रोडक्ट बना सकते हैं लेकिन हम बनाए क्या ठीक है तो ये जो चीजें होती हैं बेसिकली देखो तीन चीजें हैं यहाँ पर जो इनपुट है एक वर्ड होता है इनपुट एक आउटपुट तो इनपुट का मतलब ये होता है कि हमारे पास रिसोर्सेस क्या क्या हैं ठीक है हम जिनको यूज कर रहे हैं किसी प्रोडक्शन फंक्शन में आउटपुट का मतलब कि जो हमारा प्रोडक्ट हो गया ठीक है यहाँ पर जब इकोनॉमिक्स में आते हैं जो रिसोर्सेज को हम बोलते हैं ना रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं कि इट इज दीज आर फैक्टर्स एक नया टर्म यूज होगा इसे कंफ्यूज मत करना अब जो पहला डिसीजन था कि हाउ मच टू प्रोड्यूस ठीक है जो पहला मैनेजरियल डिसीजन होता है या प्रोडक्शन होता है प्रोड्यूस मतलब कितना करना है इट इज प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिमम लेवल इन द कॉन्टेक्स ऑफ फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप ये जितने भी की से आते हैं देखो तीन तरह के रिलेशनशिप होंगे एक तो होगा फैक्टर का फैक्टर के साथ रिलेशनशिप है ठीक है हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो उन रिसोर्सेज का आपस में रिलेशनशिप होगा ठीक है तो वो जो रिलेशनशिप बोला जाएगा उसकी स्टडी होगी वो फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप होगा उसको फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप और एक तीसरा रिलेशनशिप यहाँ पर आएगा प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप ठीक है तो तीन तरह के रिलेशनशिप है पहला है फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप है दूसरा फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप है और तीसरा प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप रिलेशनशिप हैं हैं इन तीनों की स्टडी हम हम क्यों करते हैं? ताकि हम जो भी कर रहे हैं, उसके प्रॉफिट को हम मैक्सिमाइज कर सकें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए रिलेशनशिप की की स्टडी जाती है ताकि ये तीनों डिसीजन कर सके कि हाउ मच टू प्रोड्यूस व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस ये तीनों ये तीनों जो मैनेजरियल क्वेश्चन मतलब ये तीनों रिलेशनशिप की स्टडी की जाती है ठीक है रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ एन एंटरप्राइज इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन देखो ये एक की वर्ड है, आप कहीं भी मिल सकता है ठीक है factor, product, तो कोई बहुत दूसरी चीज नहीं है फैक्टर का मतलब होता है रिसोर्सेज रिसोर्सेज का प्रोडक्ट प्रोडक्ट के साथ रिलेशनशिप क्या है मतलब इसमें रिलेशनशिप को कैसे स्टडी करेंगे इसमें दो तरह के देर आर टू काइंड ऑफ फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप इन प्रोडक्शन फंक्शन प्रोडक्शन फंक्शन में दो तरह का फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप होता है पहला होता है प्रोपोर्शनेटली रिलेशनशिप प्रोपोर्शनेटली रिलेशनशिप का क्या क्या मतलब होता है कि यहां पर क्या, किसी भी एक आउटपुट को क्रिएट करने के लिए किसी भी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कई फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं ठीक है तो प्रोपोर्शनेटली रिलेशनशिप एक बहुत ही शॉर्ट टर्म पे लिया जाता है ऐसा होता है कि uh, मतलब इस रिलेशनशिप में यह माना जाता है कि कुछ जो आपके रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं हालांकि तो रिसोर्सेज हमेशा ही लिमिटेड होते हैं लेकिन फिर भी जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है उसमें कुछ कम है और कुछ आपके पास एडली मात्रा में अवेलेबल है ठीक है तो जब इसमें क्या होता है कि सम इनपुट्स आर फिक्स्ड द विदांटिटीज ऑफ अदर इनपुट्स वेरी यहाँ पर क्या होता है कि कुछ इनपुट्स की क्वांटिटी को फिक्स कर दिया जाता है क्योंकि हमारे पास लिमिटेड होते हैं तो उनकी क्वांटिटी फिक्स होती है लेकिन हमारे पास कुछ इनपुट्स ऐसे होते हैं जो जो एडलिव होते हैं तो उनकी क्वांटिटी को हम वेरिक करा करके हम आ, मतलब वेरिक करा करके हम प्रो, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं तो हम यहाँ यह देखते हैं फैक्टर का प्रोडक्ट के साथ रिलेशनशिप क्या है मतलब हमारा एम क्या है मैक्सिमाइज द प्रॉफिट हमें सबसे सस्ते कॉस्ट पे हमें कौन सा मतलब सस्ते, सस्ते कॉस्ट के कम्बिनेशन पे हमें कौन सी चीज मिल जा रही है यहाँ पे ठीक है तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेटली रिलेशनशिप इसमें प्रोपोर्शन रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि जब आप जो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको आप फिक्स कर देते हैं और उनको फिक्स करने के बाद जो डिफरेंट रिसोर्स उनके क्वांटिटी को वेरी करते जाते हैं और आप अपना प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं तो वहां पर एक ऐसा कम्बिनेशन आपको मिलेगा जो आपको मैक्सिमाइज करेगा प्रॉफिट को जहां मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लिस्ट कर देगा ठीक है इट करिस्पॉन्ड टू शॉर्ट रन प्रोडक्शन वेयर दि इज नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज ऑल रिसोर्सेज हम रिसोर्सेज को बढ़ा नहीं सकते

चूंकि हमारे पास रखा हुआ है ऐसा है तो इसमें हम ऐसा मतलब इसमें क्या करते हैं सारे इनपुट्स को हम वेरिएबल मतलब वेरी करते हैं और उसमें क्या करते हैं हेलो ऑल द इनपुट्स आर वेरिएबल नॉन नॉन आर फिक्स इस पहले वाले में हमने क्या किया था कि जो हमारे पास एडलिप uh, था उनको हम वेरी करा रहे थे पर तो उसमें एक हमें करते हैं। एक दूसरे के साथ हम वेरिएशन क्रिएट करते हैं और उससे ये देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सबसे सस्ता किस रेट पर पड़ जा रहा है ठीक है इसको ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन में बेसिकली काउंट होता है विच लॉ रिसोर्सेज टू इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द प्रोडक्शन

हम रिसोर्सेज का ऐसा कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं क्योंकि हमें पता है कि उनके रेट क्या हैं, तो हम उनका ऐसा कॉम्बिनेशन uh, क्रिएट करते हैं जिससे कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिस्ट आता है ठीक है सिंस वी आर डीलिंग विद ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रॉफिट अल्टीमेटली जो हमारा एम होता है यहाँ पर वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए होता है ओके okay, तो ये लिस्ट कॉस्ट ऑफ़ पे काम करता है मतलब यहाँ पर जो लॉज लगते हैं वो है लिस्ट कॉस्ट कम्बिनेशन प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट कॉस्ट कम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेस अब देखो जो पहला वाला रिलेशनशिप था वहां था फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप वहां पर जो डिफरेंट फैक्टर्स थे उनके कम्बिनेशन को हम प्रोडक्ट के साथ वेरी कर रहे थे कि, मतलब प्रोडक्ट के साथ रिलेशन को देख रहे थे कि किस प्रोडक्ट के साथ कौन कौन से किसी प्रोडक्ट को हमें बनाना है तो वहां पर हमें कौन कौन से डिफरेंट जो रिसोर्सेज है उनका कम्बिनेशन हमको तैयार करना है अब क्या है कि जो दूसरा वाला है मतलब हाउ टू प्रोड्यूस वाले इस वाले डिसीजन में हमने क्या किया कि हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल है प्रोडक्ट वही है जो हमारे पास बनने हैं प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमने वहां पर डिफरेंट रिसोर्सेज का एक कम्बिनेशन तैयार किया है हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए ठीक है तो वो एक मेथड क्रिएट हो गया

कि हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं वो फिक्स हैं हमको उसमें बहुत वे बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी नहीं क्रिएट कर सकते अब हमें ये देखना है कि हमारे पास जो इंटरप्राइज है उसमें प्रोडक्ट क्या बनाना है मान लो कि एक डेयरी इंटरप्राइज है तो वहाँ पर आपने डेयरी डेयरी इंटरप्राइज किया हुआ है तो वहाँ इंटर्रा... मिल्क बना रहे हैं घी बना रहे हैं छेना बना रहे हैं पनीर बना रहे हैं आप दुनिया भर के मिल्क प्रोडक्ट बना रहे हैं वहाँ पर हो सकता है ड्राई मिल्क पाउडर मतलब जितने भी मिल्क प्रोडक्ट मिल्क प्रोडक्ट होते हैं वो सारे सब आप बना रहे हैं वहाँ पे अब आपको ये देखना है कि जो फिक्स अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल है जैसे कि मार्केट में आपको यह देखना पड़ेगा की मार्केट में किस चीज की डिमांड ज्यादा हो रही है ठीक है अगर दूध की डिमांड है आपके दूध सेल आउट करके और जो मिल्क प्रोडक्ट है उनके अच्छे रेट नहीं मिल रहे हैं आपको तो आप मिल्क सेल आउट करके भी प्रॉफिट uh, कमा सकते हैं लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि जब मिल किसी प्रोडक्ट बनाते हैं तो अगर प्रॉफिट ज्यादा होता है तो वहां पर यह भी आपको देखना होता है कि जो प्रोडक्ट आप बनाना चाह रहे हैं ठीक है कौन सा प्रोडक्ट बनाना है ये एक तो मार्केट पे डिपेंड करता है दूसरी चीज ये है कि कौन कौन से इनपुट आपके अवेलेबल हैं तो मार्केट के बेस पे आपने जो फिक्स कर लेकिन ये प्रोडक्ट बनाना है तो

हमारे पास जो तो डिफरेंट प्रोडक्ट है उसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन हम मतलब अपने इंटरप्राइज में प्रोड्यूस करें जिसपे हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो ये चीज डिसीजन आपको यहाँ करना पड़ता है ये जो तीन तरह के मैनेजरियल डिसीजन होते हैं प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक एड्रेसिंग ये जो डिफरेंट होते हैं देखो इन ये जो तीनों चीज मैंने बताई पहली बात मैंने आपको ये डिस्कस किया कि हाउ टू कि सॉरी हाउ मच टू प्रोड्यूस मतलब कि प्रोडक्ट हमें कितना प्रोड्यूस करना है हमारे जो डिफरेंट रिसोर्सेज है उनके बेसिस पे दूसरा मैंने आपको डील किया हाउ टू प्रोड्यूस मतलब वो कौन सा मेथड्स या कौन सा कम्बिनेशन यूज करें जिसमें हमको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो और तीसरा व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब कि प्रोडक्ट

और इस वाले में इस हाउ मच टू प्रोड्यूस में जो मेजर रिलेशनशिप इन्वॉल्व होता है वो फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप इन्वॉल्व होता है ठीक है आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मच टू प्रोड्यूस में कौन सा रिलेशनशिप इन्वॉल्व है ठीक है जो तीन तरह का मैंने आपको रिलेशनशिप बताया था फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप और प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप मतलब कि एक तो ऑप्टिमम लेवल ऑफ रिसोर्स यूज करके आपको प्रोडक्ट बनाना है तो यहाँ पर आपका फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप है यदि हाउ टू प्रोड्यूस की बात करते हैं तो इसमें हमें वो मेथड खोजना है जिसमें लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन हो तो पर फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप मतलब हमको डिफरेंट फैक्टर्स के बीच में क्योंकि हमको उनकी वैल्यू पता है ना तो वहां पर उनका हमको ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार करना है जिससे कि हमको हमारा जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट कॉस्ट पे है तो हमारा हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा वहां पर ठीक है जो लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन होता है ये जो प्रिंसिपल लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज है ये आपका हाउ टू प्रोड्यूस वाले क्वेश्चन में जो मैनेजमेंट डिसीजन जब आप हाउ टू प्रोड्यूस में जाएंगे तो वहां पर जो आपका रिलेशनशिप होगा वहां पर रिलेशनशिप डिस्कस्ट होगा और जो प्रिंसिपल होगा वो प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पर लगेगा और जो तीसरा डिसीजन था व्हाट टू प्रोड्यूस में मीन्स एंटरप्राइज सिलेक्शन और ऑप्टिमम आउटपुट कॉम्बिनेशन एंटरप्राइज सिलेक्शन का मतलब कि हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है या हमारे पास कौन डिफरेंट हमारे पास कैपेबिलिटी की हम कई तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं तो उसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन हमें अपने इस एक करंट सिचुएशन बनाना है इसके बारे में डिसीजन करना तो इसके बारे में तो हम जाने जब हाँ सॉरी हाँ हमें ये डिसाइड करना होता है ठीक है तो बेसिकली इस मैनेजमेंट डिसीजन के लिए जो हमें पता होना चाहिए वो प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि कौन कौन से कम्बिनेशन है प्रोडक्ट के वापस में जुड़े हुए हैं ठीक है एक या बाय प्रोडक्ट को दूसरे में यूज करते हैं इस तरह की थ्यूरीज आती हैं इसमें तो ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप की बात आती और है और तीसरा है सॉरी और इस प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप में प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट की बात होती है तो पहले वाले में क्या था यहाँ पर हम रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूज की बात कर रहे थे ताकि हम ऑप्टिम आउटपुट क्रिएट कर सकें दूसरे वाले में हमने एक लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन बनाया था रिसोर्सेस uh, के आपस के रिलेशनशिप को स्टडी करके और तीसरे में प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिम ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट की बात की थी ठीक यहाँ पर हमने प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करके बताया था इट इज जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेशनशिप्टर ऑफ आपस में कंबाइन होके थ्यूरी ऑफ प्रोडक्शन कहे जाते हैं ठीक है ये इसी को डील करते हैं और इन तीनों के बेस पे ही कोई भी इंटरप्राइज है जब हम उसकी मैक्सिमाइजेशन क्योंकि हर इंटरप्राइज में प्रोडक्शन प्रोसेस होता है ना तो वहां पर प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज हम कर सकते हैं इन तीनों चीजों को डील करके इन तीनों डिसीजन को स्टडी करके ही हम ये बताते हैं कि नहीं हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है कौन कौन सा यूज करने है ठीक है 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 एक एक मार्केट जो मैंने पीछे पढ़ा रखा है, वो एक दूसरी चीज कहीं ना कहीं मार्केट के बेस पे ही डिमांड क्रिएट होती है और कौन सा प्रोडक्ट बनाना है ये सारी चीजें वहां से जाते हैं लेकिन एक यूनिट के बेसिस पे एक इंटरप्राइज के बेसिस पे आपको इन तीनों डिसीजंस को फेस करना होता है जब एक इंटर जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको इन तीनों डिसीजंस को फेस करना होता है इसके आगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो अभी ये तो मैंने आपको एक शॉर्ट में बस इंट्रोडक्शन दिया हुआ है आगे जाके जो आपका ये जो तीनों रिलेशनशिप है कौन कौन सा फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप फैक्टर प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप क्या कहता है हाउ टू प्रोड्यूस सॉरी हाउ मस्ट टू प्रोड्यूस ठीक है और फिर होता है फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप मीन्स हाउ टू प्रोड्यूस एंड प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप मीन्स व्हाट टू प्रोड्यूस ये तीनों चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगे आगे मैं, जो, मेरा जो नेक्स्ट uh, लेक्चर होगा इसमें ग्राफ्स इन्वॉल्व होंगे डिफरेंट टर्मोलॉजी होंगी उनके शॉर्ट फॉर्म होंगे वो चीज आपको देखना पड़ेगा uh, मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत पहले कॉस्ट uh, के बारे में बताया डिफरेंट काइंड ऑफ कॉस्ट पढ़ाया था उसमें एक लेक्चर छुटा हुआ मार्जिनल कॉस्ट के मार्जिनल uh, कॉस्ट क्या होता है तो मार्जिनल कॉस्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसका मैं एक या दो लेक्चर लूंगा वहां अभी आगे जाकर के ये पहले कंप्लीट हो जाए आपका सिलेबस इसके बाद मैं उसे भी कंप्लीट करूंगा मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली क्या होता है कि जो मार्जिनल कॉस्ट होता है क्या होता है कि हम ये मानते हैं कि फॉर एग्जांपल आप ये मान लो कि आप दो रुपए लगा करके चार किलो कोई प्रोड्यूस आप आ, आ, किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो ठीक है दो, दो रुपए की लागत पे आप कोई चीज बना रहे हो आपको ये देखना है कि अगले एक रुपए को बढ़ा करके उसमें कितना इंप्रूव कर सकते हो आप ठीक है मान लो कि चार रुपए सॉरी मान लो कि दो रुपए लगा करके आपने क्या किया हुआ है कि कोई चीज प्रोड्यूस किया मान लो दो किलो प्रोड्यूस हो रहा है दो रुपए लगा के कोई चीज आप दो रुपए प्रोड्यूस करो हो सकता है कि जब आप एक एक्स्ट्रा उसमें, तो उसमें इन्वॉल्व कर देते हैं ठीक है अगर दो रुपए आप तीन रुपए का उसमें इनपुट लगाते हैं तो हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्शन है वो उस प्रोपोर्शन से ज्यादा प्रोड्यूस हो क्योंकि लेबर तो उतना ही काम करेगा ना तो हो सकता है कि जो दो किलो बता रहा था अगर आप एक किलो एक्स्ट्रा लगाते हैं तो 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 वो 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 किलो 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 की जगह प्रोड्यूस करना शुरू कर। तो जो जो आउटपुट है वो चार किलो हो जाएगा तो आप ये सोचिए आपके पास कॉस्ट था वो उतना ही प्रोडक्शन जो जो मतलब लेवल में एक लेवल के बाद जो यहाँ पर हमने इंक्रीज किया इसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं इसको करूंगा अभी आज मैं इतना देता हूँ अभी आज ये स्लाइड मैं अपलोड कर दूंगा इसके अलावा मैं चाहता हूँ आप आपके पास कोई बुक है कि नहीं है थोड़ा तो सा अपने आपको अनम्यूट करो हेलो yes, नहीं, 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 है। नहीं है कोई बुक नहीं है आपके पास क्योंकि ये थोड़ा इकोनॉमिक्स है ना यार तो थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि जब तक आप लोग इसको पढ़ोगे नहीं ना दिक्कत आएगी क्योंकि ठीक है पीपीटी में मैं ये पिप्टी चीज को ध्यान में रखूंगा कि आपके पास बुक नहीं है लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीजें होती है ना जो छूट जाती है yes, sir. तो आज के रिकॉर्डिंग में यहीं पर रोक रहा हूं मैं थोड़ा तो कल की तैयारी करता हूं ठीक है और इन तीनों चीज को बस मैंने अभी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है कि आपसे क्वेश्चन कैसे अप हो जाते हैं तीन डिसीजन है हाउ मच टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस एंड व्हाट टू प्रोड्यूस पहले वाले में फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप है दूसरे में फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप और तीसरे में प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप है पहले वाले में लॉफ डिमिनिंग रिटर्न और रिटर्न टू स्केल इन्वॉल्व है दो प्रिंसिपल इन्वॉल्व है दूसरे वाले में हाउ टू प्रोड्यूस में लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व है और वाट टू प्रोड्यूस वाले में प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप इन्वॉल्व है यहाँ पे ठीक है तो आज का यही सर, पहले, हैं। वाले सर पहले, हाँ, वाले पहले वाले में दो, दो प्रिंसिपल क्या बताया उसमें दो एज्स है, 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 है दूसरे इनपुट तो बहुत ज्यादा लेकिन कुछ कम है तो जो कम है उनको आप फिक्स कर दो और जो आपके पास एडलिव है उनका अमाउंट क्वांटिटी वेरी करके देखो कि आपके पास लेवल ऑफ प्रोडक्शन कितना हो पा रहा है ठीक है तो वो एक तो प्रोपोर्शनेटली

पढ़ना क्या पड़ेगा पढ़ाऊंगा तो मैं ही लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा मैं आपको और मार्जिनल कॉस्ट में मैंने इसीलिए बताया आपको इसलिए कि थोड़ा तो सा मतलब ये इससे कोरिलेटेड चीज है जुड़ी हुई चीज है मार्जिनल कॉस्ट ठीक है एक बार जो मैं जो स्लाइड है उसको पुराना जाके देख लेना उसे उसे मार्जिनल कॉस्ट का मैंने कुछ बता रखा है हालांकि मैं मार्जिनल कॉस्ट पे पूरा एक लेक्चर लेने वाला हूँ एक या दो मोस्टली एक दिन में खत्म हो जाएगा लेकिन फिर भी एक बार जाकर के जो पुरानी पीपीटीज हैं उसको एक बार देख लेना मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है थोड़ा तो सा रिलेट होगा यहाँ पे अगर नहीं होगा तो मैं दोबारा बता दूंगा पढ़ा दूंगा यहाँ पे लेकिन फिर भी देख लेना तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी ठीक, तो ठीक है ठीक है तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करता हूँ ठीक है ठीक है सर ओके सर